शनि की दृष्टि पड़ने से कैलाश में गणेश भगवान को किस प्रकार की हानि हुई और शनि की दृष्टि में ऐसा दोष क्या है जिसकी वजह से शनि की दृष्टि से किसी का भी जीवन का नाश हो सकता है और ऐसी दृष्टि शनि की कैसे हुई, ये सारी कथा सोमकांत को सुनाई गई। आज आप भी ये कथा नहीं सुनेंगे। माता पार्वती के घर कल आपने देखा कि बालक का जन्म हुआ था। राजा वरेण्यम की पत्नी की रक्षा के लिए गौरी ने अपना पुत्र शिवजी के कहने से वरेण्यम की पत्नी के कोख में डाल दिया था। इसलिए गणपति को पुत्र देने वाला देवता भी माना जाता है। उसके लिए गणेश की स्तुति भी की जाए या पार्वती शिव की स्तुति भी की जाए तो भी वो कृपा प्राप्त हो सकती है। आज सूर्य पुत्र शनि कैलाश पर पहुंचे और उनके मन में तीव्र इच्छा है कि पार्वती जी का भी दर्शन हो और उनके लाला का भी दर्शन हो। जैसे नई बहू का दर्शन करने का हमारे यहाँ सनातन में परंपरा है, वैसे ही गर्भवती महिला का दर्शन करने की परंपरा है और गर्भ को बाहर पैदा होने के बाद भी जच्चा बच्चा के दर्शन की परंपरा है और वो भी दक्षिणा सहित। हमारी माता बहनें जब गर्भ धारण करती हैं तब भी उनकी खोली भरी जाती है, यानी कि झोली धन धान्य से भर देते हैं अड़ोसी पड़ोसी चाहने वाले। गोद भराई कार्यक्रम सारा समाज, यानी कि जो लोग चाहते हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, आरती करते हैं और उसकी झोली में भोजन प्रसाद धन दौलत भरते हैं। ये गर्भवती महिला का सम्मान करते हैं और जब वो बच्चे को बाहर कर देती है सृष्टि पर तो उसके बालक का प्रथम दर्शन करने जो लोग आते हैं वो माँ का दर्शन भी करते हैं। और ऐसी रीत ऐसी परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए, कम से कम ऐसी परंपरा तो चलती रहनी चाहिए। ये उत्तम परंपरा है। हमारे यहाँ नया कोई भी मेहमान आया करे उसका सब लोग दर्शन करें मिले, पहले तो ऐसा था। यहाँ जो आदमी 70 साल का हो या 65 साल का हो, 60 साल का हो या 50 वर्ष का भी कोई होगा, कोई माता बहन होंगी, वो इतना तो जानती हैं कि गुरुजी जो कह रहे हैं पहले ऐसा था अब नहीं है। कैसा था पहले? अगर बड़े ताऊ जी के घर में उनकी बेटी का पति आया, यानी कि बड़े ताऊ जी का जमाई आ जाए, तो घर में गांव में जितने भी उनके भाई बंद लोग जो रहते थे वो सबके सब जमाई से मिलने के लिए रामाकृष्णा करने आते थे और जमाई को नंबर भी नहीं पढ़ते थे, इतना ज्यादा उनको न्योता। छोटी सास, बीच की सास, फलानी सास, उनके घर भोजन, उनके घर नाश्ता, उनके घर चाय पानी, उनके घर बैठना, उनके घर पैर लगाना और सबके घर से दान दक्षिणा, सबके घर से विदाई। अभी वो ज्यादा तो दिन गए नहीं है क्योंकि तुम्हारे सामने थे वो दिन और तुमने भी वो देखा है खुद भी, और आज वो तुम्हारे सामने खत्म हो रहा है। अब ये बताओ, ये जो परंपरा जो प्यार की खत्म हो रही है इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है?
नुकसान हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि जीजा बनने में कोई फायदा है ही ना है। पुराने जमाने में गरीबी भले ही रहें दो, पर जीजा बनने में को फायदा बहुत हो। आधा सा गांव लड़कियों को विदा करता था महाराज। हम तो बहुत छोटे थे तब हमने ये सब लीलाएं देखी हैं, क्योंकि बहुत छोटे यानी बहुत छोटे ही थे। हमारी बहनों का विवाह भी बाल विवाह टाइप ही हुआ था 14-15 साल की उम्र में, तो हमने तो देखा है। गांव के बाहर तक भी आधा सा गांव जाता था विदा करने लड़की को। चलो लड़की की बात छोड़ दो, ये तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि पेट का टुकड़ा है। आज से 30 साल पहले कोई फौज में लग जाता था उसे भी पूरा गांव विदा करने जाता था तांगे में बिठाने के लिए। इतना लगाव, इतना प्रेम कि ये आदमी जा रहा है अब आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए पूरा गांव विदा करता था उसे। और अब तो फौजी कब आता कब जाता चाची को भी पता चलता। और चाची कहां रहती है? ऊपर जय महाराष्ट्र रेल का डिब्बा है, रेल का डिब्बा 3 मंजिली, बीच में बीच को चाचा, ऊपर में छोटो चाचा, नीचे बड़ो पप्पा। ऊपर वाले चाचा क्यों पता ही नहीं कि बेटा कब आया? अच्छा पहले फौजी भी थोड़ा अच्छे थे, कश्मीर में रहते थे तो वहां से सेब की पेटी लेके आते थे, पूरे गांव में बंटवाते थे। और अब तो क्या लेके आता क्या नहीं लाता वो तो वही जाने, क्योंकि वो आता ही नहीं है। अब तो बस फौज में लग गया कि सीधा जलगांव में घर बना लेता, गांव में नहीं आता वो, साहूखेड़ा में। क्यों आत्माराम? वहीं आता वहीं जाता, गांव वालों को पता ही नहीं है कि छुट्टी है कि नौकरी है कि क्या है। एक आदमी को पूछकर मैंने पूरे देश का रिजल्ट निकाल लिया कि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ये क्या है? ये परंपरा का नुकसान है और उससे समाज के प्रेम का, व्यवहार का, आपसदारी के संगठन का, ये सब चीजों का नुकसान हो रहा है। अब ज्यादातर आदमी जो है अकेलापन महसूस करता है, ज्यादातर सब लोग अकेले अकेले रहते हैं। घर में भाग्य से अगर घर में हम लोग हैं भी, कई घरों में नौकरी चाकरी नहीं है तो सब लोग रहते भी हैं, रह के भी अकेले रहते हैं, अपनी अपनी धुन में, अपने अपने मित्रों में, अपने अपने कामों में, अपनी अपनी रुचि, अपना अपना सुख, संग रह के भी अकेलापन कैसे एहसास दे रहा है। और मैं चाहता हूं कि दूर रह के भी संग रहने के जैसा आनंद हमें हो, वो तब होगा जब हमारा लगाव उतना हो किसी से। अच्छा देखिए, हमारा लगाव हमारी बेटी से या बेटा से है तो हम रोज वीडियो कॉल करते कि नहीं? रात को करते, चाहे वो कौन से भी देश में हो, लगाव है तो वीडियो कॉल करते हैं। पढ़ाई कर रहा है कहीं तो भी हम करते हैं, क्योंकि हमारा लगाव भी इतना है। तो दूर रह के भी नजदीक वाला काम हो रहा है, और घर में रह के पास रह के दूर जैसा जीवन हो रहा है। इसका रिजल्ट कैसे खराब बिगड़ रहा है, कैसे खराब हो रहा है, ये है चल चाल संसार के जो व्यवहार है, संसार की जो गति है, संसार का जो मौसम है, माहौल है, समय का जो चक्र है, जो व्यवहार है, पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर जो हावी हो गई है, ये उसका परिणाम है। आपकी पवित्र संस्कृति पर
अपवित्र संस्कृति हावी हो गई है, उसका ये परिणाम है। और ये परिणाम क्या है सुनो, जिनकी संस्कृति पर भारत देश घमंड कर रहा है उनकी संस्कृति क्या है, उनकी संस्कृति है फूट डालो और शासन करो। बताओ, अब ये बात सरकार को पता होनी चाहिए और पता है, पर बतानी हमको पड़ रही है साधुओं को। चलो 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, उनकी ही पढ़ाई लिखाई हम पढ़ रहे हैं, उनका ही सब मानते हैं, उनका तरह जीना चाहते हैं, उनकी तरह खाना खाना चाहते हैं, मॉडर्न में स्टाइल में उनकी तरह हम रहना चाहते हैं, और उसी को हम विकास और उन्नति मानते हैं। मान लीजिए हो गया, पर फिर तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारी संस्कृति का क्या, उसका क्या होगा? सुनिए, फूट डालो और शासन करो, ये उनकी संस्कृति है जो तुम्हारे ऊपर सफल हो गई, सक्सेस हो गई। बस ये कथा जो मैं कह रहा हूं, जो व्याख्यान कर रहा हूं, इस व्याख्यान का मतलब है शास्त्री आचार्य पंडित जो कथा गाते हैं, महात्मा संत जो व्याख्यान करते हैं, उन सब का मतलब एक ही दिशा में है, वो है कैसे भी करके वो फूट डालो वाली राजनीति को खत्म करो, उस शिक्षा को खत्म करो और संगठन फिर से हो जाए, उस संस्कृति शिक्षा को बहाल करो, उसे बाहर लाओ। फूट डालो और राज्य करो, बाली शिक्षा मैंने नहीं पढ़ी, मैंने अपने पूर्वजों की शिक्षा पढ़ी है तो देखो अलग दिख रही है और काम भी वही हो रहा है संगठन करने का। कोई नाराज भी मुझसे होगा तो वो नाराज रहे, मेरी कोई बुराई कर रहा होगा तो वो बुराई करे, उसको और कुछ खराब करना है वो खराब भी करे, पर मैं कभी भी फाटिंग नहीं बनाऊंगा, मैं कभी पार्टियां नहीं बनाऊंगा, मैं कभी युद्ध नहीं लड़वाऊंगा, मैं कभी फूट डालो राजनीति करो शासन करो किसी को थकाओ किसी को हराओ ये काम मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं राम की संतान हूं, मैं कृष्ण की संतान हूं, मैं गौतम कणाद की संतान हूं, मैं वशिष्ठ जयमुनि पतंजलि को पढ़ता हूं और मैं उनकी बात को ही मानता हूं और आगे बढ़ाता हूं। अभी आपने जब प्रवचन प्रारंभ में सुना तो मैंने उस दही बेचने वाली की कथा गाई, क्या था उस कथा में, उस कथा में ये था कि जो गुरु वाक्य है अगर उसे पा लिया तो फिर हम नाव में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप गुरु के वाक्य पर विश्वास ना करके उसमें कमी ढूंढने लग गए तो फिर आप नाव में बैठ के भी डूबेंगे, फिर नाव भी पार नहीं करेंगे। सूर्य पुत्र शनि कैलाश पर जब आए तो कैलाश के दरवाजे पर विशाल अक्ष नाम का एक गण खड़ा था जो शिवजी के तुल्य बलवान था, शिवजी के जैसा बलवान, शिवजी के जैसा दिखने में लगता था। कभी कभी ऐसा हो जाता है बिल्कुल टू कॉपी की टू कॉपी दिखता है कभी कभी। एक महात्मा है अयोध्या जी में जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे बड़े आंदोलन किए, अभी वो 100 साल के हो गए, सीरियस हैं। उनके एक शिष्य हैं, अगर उनके शिष्य बैठे हैं आसन पर तो कोई भी बाहर से आने वाला रोज आने वाला भी पहचान नहीं सकता कि ये गुरुजी हैं कि गुरुजी के शिष्य हैं। इतनी कॉपी हो गए वो, इतनी कॉपी बन गए उनके। कैसे बन गए? क्योंकि जब से उन्होंने गुरु को पकड़ा है उनके अंगूठे के नीचे उनके कभी साथ नहीं, उनके कभी अंग को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि जीवन में परिस्थितियां नहीं आई होंगी, जीवन में कुछ अच्छा बुरा नहीं हुआ होगा, जीवन में कभी प्रेम लड़ाई झगड़ा कठोर क्रोध ना हुआ होगा, सब गुरु शिष्यों के बीच में सब कुछ होता है। पर गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरु की महिमा क्या है, एक बार दिमाग में आती है
तो फिर हम दोष नहीं केवल और केवल गुण ही ढूंढते रहते हैं, गुण ढूंढते रहते हैं। इस जगत में अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे दोष ही देखना है तो आप भगवान में भी दोष देख सकते हैं। आपने ठान ही लिया है कि मुझे कुछ अच्छा देखना ही नहीं है, अच्छा है तो मानना ही नहीं है, तो फिर बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, कितना भी बुरा ढूंढ लो और बुरा ही बुरा मिलेगा, फिर कोई कमी नहीं है बुराई के। आपने अगर ये मान लिया है कि केवल अच्छा देखना है, हमें क्या करना बुराई से, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखाई पड़ेगी, फिर बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी। आप कैसा सोचते हैं किसी के बारे में वैसा ही रूप, वैसा ही उनका कर्म आपको दिखाई देता है और वैसा ही आपका रूप बनता है। कई लोगों ने कोशिश की है कि वो मेरे जैसे दिखें, तो मेरे जैसे कपड़े पहनने लग गए, मेरे जैसे बाल कर लिए, मेरे जैसे कोशिश कर ली, पर परमात्मा ने जो हाथी की तरह दो दांत लंबे कर दिए होठ के बाहर, उसका का करना है? दक्षिण अफ्रीका का कलर दे दिया, उसका क्या करना? आप किसी की तरह दिखना चाहते हैं तो दिख सकते हैं, पूरी तरह उन्हें अगर आत्मा में उतार लें तो उनका रूप आप में आ सकता है। और ऐसी किसी का वेशभूषा चुरा करके आप उनकी तरह कुछ करना चाहें तो वो नहीं होगा, वैसा हो नहीं सकता है। अच्छा बोलो, अयोध्या में आप कोई देखने बैठे, मैं जिनके बारे में कह रहा हूं शायद वो क्या सुनने बैठे होंगे टीवी पर, पर मैं जो सच है, जो देखा है वो मैं कह रहा हूं आपसे। और यहां से नाम लेना ठीक नहीं लगता, नहीं तो मैं नाम भी बता देता महात्मा जी का, मैं तो जानता हूं। बिल्कुल सेम कॉपी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा जो गुरुदेव हैं, अगर वो 100 साल के हैं तो उनके जो शिष्य हैं कॉपी टू कॉपी, वो 85-80 साल के होंगे, वो भी बूढ़े हो गए पूरे। इतने दिन जो व्यक्ति सेवा करता है, चरणों में रहता है, उस पे गुरुदेव की पूरी छवि आ जाती है, पूरा रूप आ जाता है। अच्छा बोलो, 9 महीने पति पत्नी पेट में बालक रखते हैं, उन बालकों के ऊपर माँ बाप की छवि आ जाती है? बोलिए, 9 महीने बच्चे के साथ माँ बाप रहते हैं गर्भ में, उतने में ही माता पिता की छवि बालक में आ जाती है। तो चेला भी गुरु के गर्भ में जब रहने लग जाता है, गर्भ माने गुरु के अंदर उतर जाता है, तो उसमें भी गुरु का रूप आ जाता है। आप भगवान में उतर जाओ, भगवान का रूप आ जाएगा। माता पिता के पेट में उतर गए तभी तो माँ बाप का रूप आया, अगर आप माँ बाप के पेट में ना उतरते तो रूप नहीं आता है। अच्छा बोलो, गांव में उस मोहल्ले का एक आदमी बालक को, तुम्हारे बालक को गोद में ले लेता है, उसको अच्छा लगा, गोद में ले लिया और घूमते घूमते पूरे गांव में घुमा लाया गोद में, घंटा दो हो गए, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो बच्चे को खिला लेता है कोई भी। पर गोद में खिला खिला करके आप अगर 60 साल भी गुजार देंगे तो भी बच्चे में रूप डाल सकते नहीं है। तो बच्चे में रूप डालने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो करना पड़ेगा सत्यम पिहितम मुखम, उस सत्य को आपको पी जाना पड़ेगा, गर्भस्थ स्थिता, गर्भ जैसी स्थिति में ले जाना पड़ेगा। अगर आप उसे धारण कर लेंगे तो सब कुछ वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा आप बताओ, एक जो मशीन आती है उसमें आप अपना सर्टिफिकेट रख देते हैं, मार्कशीट रख देते हैं, है, और उसके नीचे शीशा और शीशे के नीचे एक और कागज कोरा डाल देते हैं, तो कोरा कागज कहाँ डालते हैं बताओ? मशीन के कहाँ डालते हैं? अंदर। तो फिर मशीन में क्या आता कोरे कागज पे बताओ?
कोरे कागज पे वो आता है जो सर्टिफिकेट में होता है, जो कागज में आधार कार्ड में जो जो है वो कोरे कागज पे आ जाएगा। अगर कोरा कागज मशीन के ऊपर रख दिया जाए तो फिर आने वाला नहीं है। ऐसे ही माता पिता के अंदर, गुरु के अंदर, भगवान के अंदर, धर्म के अंदर, सत्संग के अंदर, कथा के अंदर जो घुस जाता है उस पे उसका रंग भी चढ़ जाता है। यदत्तम दर्शनम प्रिया, ये वे नेत्र प्रवर्तति, अधर्मूलं विसाक्षाभ्यां, ये वे गणाधिपते प्रभ। शनि महाराज बड़े शील स्वभाव हैं और सब देवों में बड़े व्यवहारिक हैं शनि देवता। तो शनि देव ने कैलाश के दरवाजे पर आकर के वहां जो गण लोग थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सूर्य पुत्र शनि हूं और मैं पार्वती के लाला का और श्री पार्वती माता का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे दर्शन करवाओ। तो सब गणों ने कहा, देखो वो जो खड़े हैं ना, उनका नाम है विशाखलाक्ष, शरीर वरीर अच्छा था तो उनका नाम था विशालाक्ष। जिनकी विशालता का कभी क्षय ना हो, शिव के समान भगवान शिव के गण थे, वो दरवाजे पे खड़े थे। गण और भी थे पर सारे गण इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि वो शिव तुल्य नहीं थे, तो उनको मैन दरवाजे पर मौका नहीं मिला सेवा का। विशालाक्ष को मैन दरवाजे पर अवसर मिला। चंद्रदेव ने प्रणाम किया शिव जी के गण को। आप समझ सकते हैं शिव गण क्या होता है। शिव गण का मतलब होता है मंदिर का पुजारी, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, वो मंदिर का गण है। और गण का अधिकार, गण की पोजीशन, गण की पदवी क्या है, तो गण की पदवी यह है कि उस मंदिर में चाहे राष्ट्रपति क्यों ना आया हो, पहले उसे पुजारी को ही प्रणाम करना चाहिए। ये गणपति गणाध्यक्ष के जो गण हैं उनका अधिकार है और मुझे लगता है ये अधिकार जायज है। क्यों? सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सेवा से बड़ी कोई पदवी नहीं है और वही पदवी कोई लेना नहीं चाहता है। हाँ, ले लेंगे पदवी। कौन सी पदवी चाहिए सब लोगों को? तुम सब लोगों को कौन सी पदवी चाहिए? मैं तो कहता हूं सेवा की पदवी सबसे बड़ी है महाराज। सेवा की वजह से दुनिया में नाम टिकता है मर जाने के बाद। दूसरी किसी भी पदवी पे आप चले जाइए, आपका नाम नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। पर सेवा की पदवी ऐसी है उसका नाम कभी नहीं मिट सकते आप। सेवा क्या है? भगवान को कोई मिट सकता है तुम में से? है मंदिर तोड़ देने से भगवान मिटने वाला नहीं है, वो तो पहले टूट चुके। मंदिर कोई नहीं रहा था भारत में, आक्रांताओं ने कोई मंदिर छोड़ा नहीं था। छोटे छोटे मंदिरों की बात छोड़ दो, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं जहां पर आज लड़ाइयां चल रही हैं और जिन लड़ाइयों में अयोध्या जीत गया है, काशी जीत जाएगा, मथुरा जीतने ही वाला है, ऐसे ऐसे मंदिर भी नहीं छोड़े। पर मंदिर तोड़ देने से, मूर्तियां मिटा देने से भगवान का अस्तित्व नहीं मिटता। तो भगवान क्या है? भगवान हम सबकी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए उनका कभी मिटने वाला नहीं है।
अच्छा बोलिए, आप में कोई ऐसी शक्ति है कि हवा रोक दें? हवा को तुम्हारे जैसे कितने आए कितने चले गए, दरवाजे लगाए, खिड़की लगाए, शीशा चढ़ाए, लकड़ी की खिड़की, लोहे की खिड़की, पर हवा को रोक पाए नहीं। कमरे में हवा नहीं आने देंगे आप, इतनी ताकत तो आप में है, पर हवा को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि हवा का काम है निरंतर सेवा करना। आप सो जाइए फिर भी वो आपकी नाक में आती जाती रहती है, शुद्ध जाती है गंदी निकलती है, शुद्ध जाती है गंदी निकलती है। जो शुद्ध जाकर गंदी होकर वापस आते फिर भी जाती है, उसी सेवा का नाम है सेवा। वो कभी नहीं मिटेगी। धरती जो बैठे हो ये भी नहीं मिटती है, प्रलय हो जाने पर भी इसका नाश नहीं है धरती का। प्रलय होने के बाद में ये पाताल में चली जाती है, इसके ऊपर पानी आ जाता है। अब इस समय पानी कहाँ है? इसके नीचे। और प्रलय में पानी कहाँ होता है? ऊपर। बस इतना ही फर्क है। और ये जो फर्क है ये नाश का फर्क नहीं है, ये हमेशा विद्यमान रहने की परंपरा है। आप किसी भी तालाब सरोवर में चले जाएं, है किसी पोखरा तर सरोवर में जब जाएंगे तो सरोवर में आपको क्या दिखाई देता है? पानी, और पानी के नीचे धरती। सागर में पानी और पानी के नीचे धरती। कुल मिलाकर जो समुद्र आज है वही समुद्र यहां आ जाएगा साउखेड़ा में, उसको प्रलय कहते हैं। जब तक सागर जो है अपनी जगह पर है तब तक प्रलय होने वाला नहीं है। अच्छा आप कहेंगे कि अब तो लोग बोलते हैं कि कलयुग में तो प्रलय अग्नि से होगा, अग्नि से, तो अग्नि भी समुद्र में ही होता है। अग्नि कहाँ होती है? अग्नि भी समुद्र में ही विद्यमान होती है। अगर अग्नि समुद्र में ना होती तो डीजल पेट्रोल गैस फिर समुद्र से कभी निकलने वाली नहीं थी। अच्छा ये बातें मैं ही बताता हूं तुमको, किसी और महात्मा को पड़ी नहीं इन बातों की खोज की। वो कथा सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया, आनंद देते हैं आपको, पर ये बात मुझे सुनाना जरूरी इसलिए रहता है क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसे आप पानी समझ रहे हैं, ठंडा समझ रहे हैं, वही गर्म है, वही अग्नि है, और उसका कभी नाश नहीं होगा। क्यों? वो निरंतर आपकी सेवा में है। आप जो नल खोल करके पानी पीते हैं घर में, एक टंकी पीने की, एक नहाने की अलग अलग बिठा रखी है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि समुद्र देवता तुम्हारी सेवा में नित्य खड़ा हुआ है, वायु देवता खड़े हुए हैं, वायु से समुद्र देवता का पानी भाप बन करके बादलों के द्वारा जलगांव में बरसता है, और फिर वो गिरना नदी से घूमते हुए डैम में जाता है, और डैम से पाइपलाइन होकर जलगांव में पहुंच के फिल्टर होके तुम्हारे घर में पहुंचता है। इसीलिए उनकी सेवा की वजह से उनका नाम कभी खत्म होने वाला नहीं है। पंडित जी जब भी पूजा करता है पहले कलश में जल भरवाता है और उसकी पूजा करता है वरुण देवता का नाम निकाल कर, है वरुण देवता का नाम उच्चारण करके उसकी पूजा होती है महाराज। पृथ्वी की पूजा करवाता है पंडित जी, दोनों हाथ यूं टिकवा देता है। क्यों? पंडित जी ये बताना चाहता है कि पूजा पाठ करने से पहले इन सारे देवताओं को पहले आह्वान करो, आमंत्रित करो, बुलाओ, पूजा में शामिल करो, तब तुम्हारी पूजा आगे बढ़ेगी। अगर ये सत्य देवता नहीं आएंगे तो पूजा आगे बढ़ने वाली नहीं है। अच्छा बोलो तुम्हारी कोई पूजा बिना पानी के हो सकती है क्या? कोई पूजा बताओ, कोई पूजा नहीं हो सकती है। बिना अग्नि के कोई पूजा है तुम्हारी? वो भी मुझे नहीं दिख रही है। तो जितने भी कर्म कांड हैं वो अग्नि और जल के बगैर नहीं होंगे। मिठाई के बगैर आप कर सकते हैं पूजा, पर जल के बगैर, अग्नि के बगैर पूजा का संभावना नहीं है, कर्म कांड की संभावना नहीं है। हाँ मानसिक दर्शन आप प्रभु का कर सकते हैं, मानसिक ध्यान पूजन कर सकते हैं बिना वस्तु बिना पदार्थ के।
परम सौभाग्य है आपका भी और मेरा भी कि हमको कथा कहने और सुनने का अवसर समय समय पर मिल रहा है। इस बहती हुई चलचाल की जिंदगी में यहाँ तो भैया अपने अपने परिवार के अलावा किसी को किसी से मतलब नहीं पड़ा है अब, और कोरोना हुआ है जब से तो सब और दूर हो गए और दूर हो गए और दूर हो गए, इतने ज़्यादा मतलबी हो गए लोग, बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ माता पिता को पूछने तक राजी नहीं है अपनी जिंदगी अपनी लाइफ के बारे में, खुद को ही लाइफ पार्टनर खुद को ही लाइफ स्टैंडर्ड बना रहे। अरे जिन्होंने लाइफ लाइन लिखी है वो माता पिता हैं, जिन्होंने लाइफ लाइन पर रंग भरा है वो गुरु माता हैं, उनके बगैर अपनी लाइफ को आगे ले जाओगे तो आगे चल के चार चौराहे पर रास्ते हैं, उन रास्तों पर ही अटक जाओगे, आगे बढ़ नहीं सकोगे, आगे जाओगे नहीं, वहीं रुक जाओगे। बड़ा होने के लिए क्या करना है? तो गणेश भगवान की कथा में राजा सोमकांत को महर्षि भृगु समझा रहे हैं कि बड़ा होने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए जिससे वो भगवान के निकट रहे हमेशा। तो भगवान कहते हैं उन्हें सेवक बनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और बड़ी सरल बात है, सेवक चाहे कितने भी गरीब घर का हो पर बड़े बड़े धनपति के घर में मालिक बनकर रहता है। सेठानी कार निकालकर ड्राइवर लेकर चली गई बाजार में, घर में तो कोई है नहीं, ज्यादा सदस्य होते नहीं पैसे वालों के घर में। जिस नौकर के माता पिता के पास रहने को घर नहीं, गांव में कोई विश्वास नहीं, कोई चरित्र नहीं, पर उसने सेठानी और सेठ का विश्वास जीत लिया है सेवा से, इसीलिए उस गरीब के ऊपर भी पूरा का पूरा घर छोड़ के चले जाते हैं। मालिक है वो उस घर का। है आप में से भी कोई ऐसे होंगे जो अपनी नौकरानी को घर की चाबी दे दी और अपन चले गए शादी ब्याह में। बोलो, अच्छा बोलो, ऐसा कैसे हो गया? चाबी पड़ोसी को भी दी जा सकती है, चाबी मौसी को भी दी जा सकती है, पर मौसी पे विश्वास नहीं है, पड़ोसी पे नहीं है, नौकर पे है। नौकर पर विश्वास इसलिए नहीं है कि वो नौकर है, विश्वास इसीलिए है कि वो हर समय तुम्हारी सेवा में तुम्हारी आज्ञा में खड़ा रहा है, इसीलिए उसने तुम्हारा विश्वास जीत लिया है। तो जो निरंतर सेवा में रहते हैं वो विश्वास पात्र हो जाते हैं, चाहे वो गद्दारी क्यों ना हो फिर, पर सेवा में रहने से उन पर इतना विश्वास हो जाता है कि उनके लिए सब ओपन कर दिया जाता है। कुछ भी तुम्हारे साथ गद्दारी करे करें, पर वो बड़े होते हैं, उनकी पहचान ज्यादा होती है समाज में, और वो गलत या अच्छा दोनों प्रकार का काम चाहे तो कर सकते हैं। पर अगर गद्दारी करता है तो उसकी जिंदगी में जो रफ्तार है उन्नति की वो एक साथ रुक जाती है, और वफादार रह करके वो सेवा करता रहता है तो उसकी रफ्तार और स्पीड पकड़ लेती है और महान हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो शिव जी के अनेक गणों में कुछ गण विशेष हैं, जैसे नंदी, वो तो शिव जी का रूप है नंदी, मणिभद्र वीरभद्र ये सब शिव के ही रूप है महाराज, और ये विशलाक्ष ये शिव जी का रूप है, सेम टू सेम शिव दिख रहा है, इसीलिए शनि महाराज ने उनको प्रणाम किया। अब देखो मैं अगर चाहता तो दबी प्रणाम करवा दिया था शनि महाराज का, मैं चाहता तो कथा जबी सुना देता आगे बढ़ा देता, पर ना, कथा सुनाने का मतलब केवल कथा पूरी करना नहीं है, कथा सुनाने का मतलब है उसकी महिमा को समझाना समझना। मैं भी वही चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही सेवक बने, अपने माता के पिता के घर वालों के अपने बड़ों के अपने राष्ट्र के अपने गुरु के, आपको जहां भी हित लगे वहां पर आप ऐसे सेवक बने कि आप उत्तर 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 परिचित और बड़े होते चले जाएं।
सेवा से बहुत ज्यादा परिचय बढ़ता है, सेवा से बहुत यश मिलता है, सेवा से बहुत बड़म्पन भी मिलता है, आदमी को शीघ्र विकास प्राप्त होता है बड़म्पन का, और वो मैं चाहता हूं आप सबको प्राप्त हो जाए। जो भी कथा सुन रहे हैं यहां या टीवी पर मोबाइल पर, उनमें सेवक भाव पैदा हो और वो बड़े हो जाएं, परिचित हो जाएं, जगत प्रसिद्ध हो जाएं। आज भगवान के शिव गण, चंद्र देवता ने तो पहले समझा ही नहीं कि वो शिव जी हैं कि कोई और है, उन्होंने तो शिव समझ कर ही उन्हें प्रणाम किया। हे कैलाशपति, मैं सूर्य पुत्र आपके लाला के दर्शन करने आया हूं, जगत माता पार्वती के दर्शन को आया हूं। विशलाक्ष ने कहा, देखो शनिदेव, मैं शिव नहीं, मैं शिव गण हूं, और जब तक माता पार्वती की अनुमति नहीं मिलेगी मैं तब तक तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। आप यहां ठहरो, ये अतिथि कक्ष है, यहां बैठिए, पर आपको मैं वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं, मेरे अंदर जाने के बाद मेरे पीछे पीछे चुपचाप आ मत जाना, यहां बैठिए, माता श्री की अनुमति होने पर ही आप अंदर जाइए, मैं रोक नहीं रहा आपको, आप जाएं, पर मुझे उनकी सेवा का मौका मिला है तो मेरा अधिकार है, मुझे जो अनुमति, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, मैं उनका पालन करना चाहता हूं। शनि महाराज इंतजार करते रहे दरवाजे पर, विशलाक्ष गए, माता पार्वती को बताया कि हे माते, सूर्य पुत्र शनि आए हैं आपका दर्शन करने, लाला का दर्शन करने। माता पार्वती ने कहा, सूर्य पुत्र शनि, उनकी बड़ी महिमा सुनी है और उनके बारे में कहते हैं कि वो सूर्य पुत्र हैं, धर्मराज के भाई हैं, यमुना जी के भाई हैं, ऐसे महान परिवार के सदस्य हैं, तो आने दो, उनसे मुझे मिलने में कोई तकलीफ नहीं है। आए भगवान शिवगण ने आकर के शनि को कहा, जाइए महाराज, आपको अनुमति मिल गई है, आप दर्शन कीजिए। शनि देवता अंदर माता पार्वती के महल की ओर बढ़े, माता पार्वती के महल में पहुंचे। माता पार्वती अपने लाला को गोद में छुपा करके आसन पर विराजमान है और चंद्र देवता जाकर के नीचे को गर्दन करके खड़े हैं और दर्शन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे मातेश्री, मैं शनि देव आपका और आपके पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे दर्शन कराओ। माता पार्वती ने कहा, शनि देव, आप तो मेरे निकट खड़े हैं और मैं तो आपके सामने खड़ी हूं और मेरा बालक भी आपके सामने मेरी गोद में है, तो आप मेरा दर्शन कर रहे हैं तो साथ में क्या मेरे बालक का दर्शन नहीं हो रहा मेरी गोद में? तो आप बालक का भी दर्शन करो और मेरा भी दर्शन करो, मैंने आपको दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। शनि देव ने कहा, माता श्री, मैं नीचे की ओर दर्शन कर रहा हूं, मैं आपका और आपके लाला का दर्शन नहीं कर रहा हूं, तो करो ना, मैंने ना कहां कहा? तो माता पार्वती, मैं दर्शन इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं, आपकी अनुमति चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में दोष है, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, तो मैं डर रहा हूं कहीं मेरी दृष्टि आप और आपके लाला पर पड़ गई तो आप तो महान तपस्वी हैं, आप मेरी दृष्टि से व्यथित नहीं होंगी, पर आपकी गोद में जो बालक है उस बालक के ऊपर दृष्टि का क्या प्रभाव होगा यह नहीं पता, इसलिए हे माता पार्वती, मुझे कृपा करके आदेश करो मैं क्या करूं, पर मेरी अभिलाषा है कि मैं आपके लाला का दर्शन करूं।
माता पार्वती ने कहा, बच्चे जो भी तुम्हारी दृष्टि में कुछ होगा खराब बराब होगा, पर आए हो ना मेरे द्वार में तो कुछ नहीं होगा, जाने दो, तुम तो दर्शन करो। माता पार्वती ने बड़ा हृदय रख करके शनि देव को आज्ञा दे दी, और शनि देव ने जैसे ही भगवान गणेश को देखा, दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही भगवान गणेश का सिर छेदित हो गया, और सिर गौलोक में जाकर के भगवान गणेश का सिर गौलोक में चला गया, और माता पार्वती की गोद में केवल धड़ रह गया। पूरे के पूरे आंगन में खून की धारा बहने लगी। अब तो माता पार्वती बहुत ज्यादा बिलाप करने लगी, रोने लगी। माता पार्वती ने शनि देव को कहा, मैंने तो अच्छा समझकर तुम्हें अपना मानकर दर्शन कराया, पर तुमने मेरे बालक को मार डाला। शनि देव कहते ही, माता श्री, मैं तो पहले ही आपको बताया था मेरी नेत्र में दोष है, पर मेरी अभिलाषा दर्शन की है, मैं दर्शन चाहता हूं। आपने जो उचित समझा वो आज्ञा की, उसका परिणाम चाहे गलत हुआ पर मेरा दोष कुछ नहीं है। माता श्री, सारे देवता एकत्रित हो गए। माता पार्वती कुंठित हो गई, क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने भी शनि देव को श्राप दे दिया। और ये श्राप दे दिया कि तुम्हारे नेत्र का दोष भी मिट जाएगा, तब भी संसार में जब तक सूर्य रहेगा तब तक दुनिया में तुम्हारे अंदर जगत दोष को ही देखता रहेगा। अब तो शनि परेशान, माता पार्वती क्रोधित हो गई, और ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, महादेव आ गए, सब देवता इंद्र आदि आ गए। कैलाश में माहौल पूरा बिगड़ गया। अब चारों ओर एक ही बात फैली है कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। सूर्य देवता आए, धर्मराज आए, यमदूत आए, सबने शनि देव का साथ दिया और कहा, महादेव माता पार्वती का ये दोष है, ये गलती है, माता पार्वती ने निर अपराध शनि को श्राप दे दिया है, शनि का दोष कहां था। शनि देव दर्शन करना चाहते हैं तो दुनिया का कौन अभागा ऐसा है जो गणेश का दर्शन नहीं चाहेगा, पर माता पार्वती की अनुमति के बगैर नहीं, और छुपा के दर्शन नहीं किया। शनि ने तो माता पार्वती को बताया कि मेरे दृष्टि में दोष है, मां बताओ मैं क्या करूं, दर्शन करूं या ना करूं। बंधुओं, कोई कोई लोग जो है ना छुपा के दर्शन कर लेते हैं। कई कई माता बहना ऐसी हैं जो दर्शन के लायक समय नहीं चल रहा है उनका, उसमें भी वो दर्शन कर लेती हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देती हैं। ऐसी पोजीशन में गुड्डी सुनीता ललिता को नहीं पता चलता है, पर पता चलने वाले को पता चल जाता है। वह दोष का काम है तो उसमें दोष लगेगा। कई पुरुष भी दर्शन कर लेते हैं, मन भी खराब है, दृष्टि भी खराब है, तमाकू खा रखी है, दारू पी रखी है, और प्रणाम कर लिया, लोगों ने रोका नहीं, रुके, कर लिया, और बताया भी नहीं कि हम दारू पी के आए हैं, कि अंडा खा के आए हैं, कि हम ये गंदा करके आए हैं, कि हम धंधा करके आए हैं, प्रणाम कर लेते हैं। तो इस तरह का जो प्रणाम है ये दोष और पाप से भरा हुआ है। इसमें प्रणाम का फल कम और प्रणाम करने का पाप ज्यादा लगता है। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में प्रणाम करने से पहले मुंह धोना, हाथ धोना, पैर धोना, ये सब नियम है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप किसी गुरुद्वारे जाएंगे तो गुरुद्वारे में घुसने से पहले देहरी पर पानी भरा रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे में भगवान की पूजा नहीं है, वहां गुरुदेव की पूजा है। तो अब बताओ कितनी मन मर्यादा है। बालों को अशुद्ध माना गया है,
सिर के बाल अशुद्ध माने गए हैं, क्योंकि नाखून में, सिर के बालों में प्रत्येक क्षण मैल प्रकट होता है। नाखून और बाल निरंतर अंदर से बाहर की ओर आते हैं। कहां से आते हैं? अंदर से बाहर की ओर आते हैं। और शरीर में से जो अंग पल पल क्षण क्षण बढ़ता है, वो अंग जो होता है वो अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए गुरुद्वारे में बाल को भी बांधा जाता है। गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे को मानने वाले लोग मृत्यु पर्यंत कभी बाल कटवाते नहीं है। क्यों नहीं कटवाते बताओ? बाल कटेंगे, कटेंगे तो टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे तो कहीं जाएंगे, जाएंगे तो उड़ेंगे, उड़ेंगे तो अपवित्रता फैलेगी। इसीलिए ये परंपरा है, बड़ी शुद्ध परंपरा है, बड़ी नित्य परंपरा है। मैं तो ये कहता हूं कि ये परंपरा पूरे सनातन में हो, सब जगह हो, ये तो बहुत उत्तम परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है। हमारे ऋषि महर्षि मुनि संत त्यागी जब ज्यादा तपस्या कर लेते हैं तब उनके बाल जटाएं बनते हैं, तब उनके बाल बड़े होते हैं महाराज। ये भी एक तपस्या है, बड़े बड़े बालों में रहना भी तपस्या है महाराज। ये मामूली काम नहीं है, ये एक लंबी जिम्मेदारी है। बाल बड़े हो जाएं तो माता बहनों की अलग सी जिम्मेदारी है पूरा। अब तो चलो मॉडर्न जमाना है, पर पुराने जमाने में तो बाल धोने के लिए भी तिथि निकलती थी। तिथि कौन सी तिथि में बाल धोना, महिला को कौन सी तिथि में चोटी खोलनी है और चोटी बांधनी है, ये भी पूछ पूछ के होता था। बालों की इतनी अहमियत है जिंदगी में। अब मॉडर्न होने के कारण सब चीजों पे प्रतिबंध हो गया, सब चीज खत्म हो गई, जाने दीजिए, चलो जरूरत के हिसाब से नहाओ धो बालों को, जो करना है करो। पर अब बात आ जाती है तो फिर कुछ बातें तो अच्छी भी कहनी पड़ती हैं, कुछ पुरानी कहनी पड़ती हैं, कुछ परंपराएं भी जिंदा रखने के लिए उनको भी कहना पड़ता है, उनको भी कहना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे कुछ अच्छी बात, मतलब फिर क्या बुरी बात भी सुनाते हो आप? तो हाँ, बुरी भी सुनानी पड़ती है। एक आध बुरी बात क्या सुनाते हो महात्मा? बुरी बात प्रवचन में जो बुरा नाम लिया जाता है वो बुरी बात है। जैसे मैं कहता हूं अंडा, मांस, दारू, शराब, चोरी, पाप, ये बुरी शब्द हैं, इनको भी यहां बोला जाता है। अगर इनको यहां नहीं बोला जाए तो फिर हम कथा सुनते सुनते कुछ भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम डरेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। जो डरता है पढ़ते समय वो सीखता है, जो डरता नहीं पढ़ते समय वो कुछ भी सीखता नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने ये अनुभव किया है कि नहीं है? आप ही समझ लो, आप में से कोई होगा जो स्कूल में नहीं डरता होगा टीचर से, किसी से, तो वो पढ़ता भी नहीं। और जिसको फेल होने का डर है, टीचर का डर है, नंबर काम आने का डर है, माता पिता का डर है, समाज में क्या कहेंगे डर है, तो वो खूब पढ़ाई करता है और वो पढ़ जाता है। तो वो डर जो है वो बना रहना चाहिए भगवान के प्रति, उन्नति के प्रति और अपने गुरुदेव के प्रति। वो डर का जो माहौल है वो आपको उन्नति के पथ पर ले जाता है, शिक्षा के पथ पर ले जाता है। और जब आपका अपने ही पुजारी इष्ट से, अपने ही देवता से डर समाप्त हो जाता है तो आप खड़े खड़े शैतान हो सकते हैं, आपका दिमाग कितना भी भयंकर बुराई को पकड़ सकता है। जिसके मन में डर खत्म हो गया ना गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो वो शैतान बन सकता है, उसके विचार धूर्त हो सकते हैं, उसके विचारों में विनाश पैदा हो सकता है, अपना भी और किसी और का भी। डर हमेशा अच्छा रहता है बंधुओं, आप ध्यान रखना, डर बुरी चीज नहीं है, डर अच्छा रहता है। आदमी जितना भी डरता है इन चीजों से जिनका नाम लिया मैंने, वो उत्तम डर है, उससे उन्नति होती है। डरना कहां नहीं चाहिए? अगर कभी देश के लिए मरना पड़े वहां मत डरो, कभी ऐसा मौसम आ जाए
तो वहां डर नहीं चाहिए। क्यों? जिसमें आत्म शक्ति होती है वो रण से पीछे पैर नहीं हटाते, और बहुत बड़े बड़े महात्मा सन्यासी महाशय ऐसे बहुत गीत गा के गए हैं जिनमें बल है, जिनमें शक्ति है, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें पावर है। जिस नर में आत्म शक्ति है, अरे वो पाप कमाना क्या जाने। अरे जिस दिल में और जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, अरे वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। वो पाप कमाना क्या जाने, वो पाप कमाना क्या जाने, वो पाप कमाना क्या जाने, वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। आदमी से पीछे लास्ट वाला भी दिख रहा है प्रेम में, तीन लाख लोग होना क्या कथा में। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नरमी ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नरमी ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना। Yeah.
प्रथम सती है वो शीश झुकाना क्या जाने किस नर में आत्म सती है वो झुकाना क्या जाने वो कदम हटाना क्या जाने वो कदम हटाना क्या जाने वो पाप कमाना क्या जाने जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वो पाप कमाना क्या जाने जिस नर में सतगुरुदेव भगवान की जय हो गणेश महापुराण की जय हो। ईश्वर की भक्ति का मतलब है पाप मुक्त होना। जिनमें परमात्मा के प्रति लगन है, प्रेम है, श्रद्धा है, वो भैया बहुत डरते पाप करने से। और जो वैसे ढोंगी नाटकी हैं उनको पाप का कोई भय नहीं है, क्योंकि उनके हृदय आंगन में, उनके दिल में भक्ति भगवान की नहीं है, तो उनको कोई लेना देना नहीं है पाप क्या और पुण्य क्या। माता पार्वती ने श्राप दे दिया शनिदेव को, शनि देव के पक्ष में खड़े हो गए कुछ देवता कि माता पार्वती ने ठीक नहीं किया। जब शनि देव का कोई दोष है ही नहीं, कोई काम शनि देव ने अपनी मर्जी से किया नहीं, दर्शन मांगे घर आए, अंदर आके भी दर्शन बच्चे का लिया नहीं, क्योंकि बच्चे का नुकसान हो सकता था। माता पार्वती आपने बड़े दिल से जब कहा तब शनि ने दृष्टि डाली। शनि देव को यह पूछा गया, कहे शनि देव तुम्हारी दृष्टि में यह दोष कैसे पैदा हुआ? आपने सब कथा सुनी होंगी पर यह कथा नहीं सुनी होगी। आपने ये भी कथा सुन ली होगी कभी कि शनि के प्रकोप से गणेश का ऐसा हो गया था, यह भी ठीक है। पर शनि की दृष्टि में यह जो दोष पैदा हुआ, यह दोष कहां से आया? तो भगवान भृगु ऋषि कहते हैं राजा सोमकांत को कि ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कथा व्यास जी को श्रवण कराई। हे राजा सोमकांत, एक बार शनि देव की पत्नी ऋतुगामी हो गई। शनि देव की पत्नी को मासिक धर्म आया और जब ऋतु समय आया तो ऋतु समय पूरा हो गया, स्नान ध्यान कर लिया, तो शनि देव की पत्नी के 16 श्रृंगार सज धज करके वो चाहती थी कि मैं अब पति मिलन करूं और एक उत्तम संतान को जन्म दूं। शनि देव चाहते नहीं थे, शनि देव तपस्या करना चाहते थे और तपस्या शनि देव पहले से कर भी रहे थे, पत्नी भी उनकी लंबे समय से तपस्या ही कर रही थी। पर आज पत्नी ने निश्चय कर लिया, ऋतुगामी हुई और नहा धो के श्रृंगार किए तो उनके शरीर में उत्तेजना पैदा हुई, तो मानसिक रूप से मिलन का जब दिमाग उनका हुआ तो पति के पास गई और रात्रि में पति के पास जाकर के पति को जगाया और ये कहा कि मैं ऋतु स्नान करके आई हूं,
और मेरा भाव है कि आप मुझसे मिलन करें, मुझे सुख प्रदान करें। शनि देव ने अपनी पत्नी की ओर देखा नहीं, क्योंकि शनि देव का इस समय कोई भाव नहीं था। शनि देव चाहते नहीं थे पत्नी मिलन, तो उन्होंने न तो पत्नी की सुंदरता को देखा, न उनके श्रृंगार को देखा, न पत्नी को देखा। पत्नी ने काफी देर शनि देव को प्रार्थना की, काफी देर मनाया कि मैं आपकी पत्नी हूं और मैंने कभी आपसे ये बात नहीं कही जो आज कह रही हूं। आप साधक हैं, तपस्वी हैं, आप महान भी हैं, मेरे लिए आप अच्छे पति हैं, पर मैंने भी तपस्या आपके साथ की है, पर स्त्री होने के नाते मुझे गर्भ धारण करना है, ये समाज मुझे टोकेगा, आप मिलन कीजिए। शनि देव ने अपनी पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर भी जब बात नहीं मानी और पत्नी ने यह कहा कि ठीक है आपकी इच्छा नहीं है तो हम आगे करेंगे, पर कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। शनि देव ने पत्नी की तरफ फिर भी नहीं देखा। अब तो पत्नी ने छूट भी दे दी कि आप मेरे साथ मिलन मत करो, आप जब चाहिए तब करो, पर कम से कम मुझे देखो तो सही। इतने वर्षों के बाद मैं आपके समक्ष आई हूं, मैंने खुद को श्रृंगार से पत्नी को सजाया है, मैं खुद सज के आई हूं, एक बार मुझे देखो, एक बार मुझे देखो, हंसो, मेरी प्रशंसा करो। तो शनि देव प्रशंसा खूब करते हैं पत्नी के, पर दृष्टि नहीं करते। तब पत्नी क्रोधित हो गई और देखिए स्त्री के अंदर जितनी महानता है उसमें कहीं कहीं ऐसे दोष भी हैं कि अगर स्त्री के मन जैसा सब नहीं हुआ तो वो इतनी चिढ़ जाती है कि कितना भी बड़ा नुकसान कर देगी। चिढ़ का बहुत बुरा हाल है, फिर वो आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचती है और कितना खतरनाक स्टेप उठा लेती है कि स्त्रियों की आत्महत्या करने की जनसंख्या ज्यादा है, वो कुछ नहीं सोचती। चार चार पांच पांच बच्चों को लेके अग्नि में स्वाह हो जा रहे हैं, रोज फोन, रोज वो आते टीवी पे मैसेज समाचार, तीन बच्चों को लेके मर गई, चार बच्चों को लेके मूत गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। ये क्या है? ये क्रोध में चिड़चिड़ापन। चिड़ में आदमी स्त्री जो है विवेक खो देती है और वो आगे का पीछे का परिणाम भी खो देती है, क्योंकि वो भोले हृदय की होती है, इस कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शनि देव की पत्नी चिड़ गई और चिड़ गई तो शनि देव की पत्नी ने अपने ही पत्नी को, पति को श्राप दे दिया और श्राप दे दिया कि तुमने मुझे नहीं देखा और मेरी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए हे शनि देव मैं तुम्हें आज ये श्राप देती हूं कि जब भी तुम इन दृष्टि से, इन आंखों से किसी को पहली बार देखोगे उसका नाश हो जाएगा, उसका उत्थान नहीं होगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि किसी को भी ना देखे, मैं तुम्हें ऐसा मजबूर कर दूंगी, और तुम किसी को देखोगे तो उसका पतन हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। अच्छे अच्छे प्यार वाले लोगों की भी दृष्टि खराब रहती है, कभी कभी आदमी को बुखार चढ़ जाता नजर लग जाए तो, पत्थर में भी दीवार में भी शीशे टूट जाते नजर से महाराज। ये दृष्टि, अब दृष्टि जिसकी खराब है वो आदमी खराब नहीं होता, ये ध्यान रखना। जन्म जन्मों के कोई श्राप, जन्म जन्मों के कोई चीजें जुड़ी है हमारे जीवन से। अब आप मेरे को नजर लगा दो तो मैं आपको खराब मानूं तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान को रोज नजर लगती थी गोपियों की, और गोपियों को भगवान गले लगा लेते थे, सिर पे बिठा लिया था, भक्ति दे दी, पति का दर्जा दे दिया और नजर लगाती। नजर लगाने का अर्थ कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, अच्छे व्यक्ति की नजर पड़ जाने से नुकसान हो सकता है। शनि देव सूर्य पुत्र हैं और ग्रही पुत्र हैं, ग्रही देवता हैं। ग्रही देवता बिना बुलाए हमारे घर में रहते हैं, शनि देव इनका नाम है ग्रही देवता।
कोई भी देवता बिना पधारे घर में रहता तो कितने भैया स्वाभिमानहीन है, उनको स्वाभिमान भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, पूजा पाठ भी नहीं चाहिए। वो ग्रही देवता है, वो हमेशा ग्रहों में रहते हैं, और शनि ऐसे देव हैं जो सब ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं। सूर्य के पुत्र शनि देव सारे ग्रह नक्षत्र है ना, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए आज आपको यह भी पता चल गया कि शनि की दृष्टि में दोष कैसे पैदा हुआ। शनि का कोई दोष नहीं है, शनि की आंखों में दृष्टि में पत्नी ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जिस भी व्यक्ति को देख लोगे पहली नजर में वो आदमी खत्म हो जाएगा, वो दुनिया में रहेगा ही नहीं, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा जिस पे तुम्हारी कुदृष्टि पड़ जाएगी। शनि देव ने अपना इतिहास पहली बार बताया, क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गई कि माता पार्वती पूरे ब्रह्मांड को जलाने मारने को तैयार हो गई है, तो सबने मिलके शनि से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों देखा, क्यों देखा? तो कहा मैंने नहीं देखा, माता पार्वती ने दिखाया तो मैंने देखा, पर मैंने बुरी भावना से नहीं देखा, मैं तो भगवान मान के दर्शन चाहता था, पर मेरी पत्नी के श्राप के कारण मेरी दृष्टि में ये दोष है और ये दोष सफल हो जाएगा, ये मुझे भी विश्वास नहीं था। आज पहली बार ही मैंने किसी को देखा है पत्नी के श्राप के बाद, तो आज पहली बार पता चला कि पत्नी का श्राप सफल हो गया है। वैसे आप ध्यान कर लेना बंधुओं, पत्नी चाहे जो भी मुंह से बोलती है वो आज नहीं कल पूरा होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए पत्नी के मुंह से कुछ गलत पति को ना सुनाया जाए, पहला तो ये कंट्रोल हो, और दूसरा ये कर्म हो कि पति ऐसा कुछ ना करे कि पत्नी को कुछ खराब बोलना पड़ जाए। पत्नी के मुंह से निकला वाक्य कभी न कभी पूरा अवश्य होता है। फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुगेगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब शनि की पत्नी के ऊपर अब शनिदेव क्या करें, उनका तो जो था हो गया, रिजल्ट भी खराब हो गए। अब तो भगवान हरि भगवान नारायण जो थे वहां उपस्थित थे, भगवान शिवजी ने माता पार्वती को कहा देवी थोड़ी शांति रखो। अब तो माता पार्वती शांति का नाम नहीं लेती महाराज। शनिदेव कौन थे, तो भगवान श्री हरि के भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे शनिदेव। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आज शनि की दृष्टि, शनि का कोई प्रकोप अगर दुनिया में है, मैं तो मानता नहीं हूं, पर है और आप मानते हैं, तो आज गणेश पुराण की कथा में प्रमाण के साथ मैं आपको कथा सुना रहा हूं। अगर जो भक्त कृष्ण की भक्ति करता है उस पर शनि का प्रकोप काम नहीं करता है।